नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित शंकर लाल आचार्य में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो द्वारा जानने वाले हैं फ़ोटो से लड़की का वशीकरण कैसे करें, किसी भी लड़की का फ़ोटो द्वारा वशीकरण करने का तरीका। जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पंडित शंकर लाल आचार्य को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दे ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। आजकल के समय में लगभग हर एक लड़का और लड़की किसी न किसी को ज़रूर पसंद करते हैं और प्यार भी ज़रूर करते हैं, जिसमें से कुछ लड़कों का प्यार सफल हो जाता है और वह जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे अपना जीवन साथी बना भी लेते हैं या फिर वह अपनी प्रेमिका को अपने वश में करके अपना कोई काम या कोई भी बात आसानी से मनवा भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लड़कों को नसीब में प्यार नहीं मिलता। वह जिस लड़की से प्यार करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, जिसको वह अपनी गर्लफ्रेंड प्रेमिका बनाना चाहते हैं, वह लड़की उस लड़के से दूरी बना के रखती है और वह उसकी कोई भी बात नहीं मानती, किसी भी बात के लिए हामी नहीं भरती, जिसे कि लड़का परेशान होने लगता है और वह लड़की को वश में करने के लिए फ़ोटो से लड़की का वशीकरण करना चाहता है, जो आप हमारी आज की वीडियो द्वारा सर्च कर सकते हैं। यह उपाय दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन 12 बजे के बाद करना होगा। इसके लिए आप कमरे में कांस सफ़ेद रंग के कपड़े पर आसन लगाकर बैठ जाएं। उसके बाद अपने चित्त को तस्वीर व वशीकरण यंत्र पर केंद्रित करें और साप्तिक माला के प्रयोग से आपको मंत्र का जाप करना है दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंत्र का जाप दोस्तों 21 बार आपने करना होगा। इस मंत्र में जिस जगह पर अमूक शब्द का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर आपने उस लड़की का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, उनका नाम लेकर जाप करना है। इस उपाय को करने के बाद आप 2 दिन के अंदर ही उस लड़की को वश में करने में कामयाब हो सकोगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, सामने आपको हमारे पंडित शंकर लाल आचार्य जी का नंबर दिखाई दे रहा है, एक बार ज़रूर कॉल करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और अब लग आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।